वेलकम है आपका अच्छा साथी चैनल में। हैप्पी न्यू ईयर। दुआ है कि आप सदा मुस्कुराते रहें। एक कहानी की मदद से आज मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ। वालिद मैगज़ीन पढ़ने में मसरूफ थे। उनकी छोटी बेटी बार बार दरमियान में आकर अपने वालिद को परेशान कर रही थी। उन्होंने उस मैगज़ीन से एक वर्ल्ड मैप वाला पेज फाड़ा, उस पेज के कई टुकड़े किए और वो टुकड़े बेटी को देते हुए कहा, अपने कमरे में जाओ और इन टुकड़ों को जोड़ कर दोबारा वर्ल्ड मैप तैयार करो और फिर मुझसे आकर मिलो। उन्हें ये यकीन था कि अब ये दिन भर इस काम को करने में बिजी रहेगी और दोबारा आकर मुझे तंग नहीं करेगी, मैं इस मैगज़ीन को अब सुकून से पढ़ सकूंगा। लेकिन वालिद को ताज्जुब का धक्का लगा। चंद मिनट बाद ही वो लड़की उस वर्ल्ड मैप को मुकम्मल जोड़ कर ले आई। वालिद ने जब उससे पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी कैसे इसे जोड़ लिया, तब लड़की ने जवाब दिया, कितना आसान तो है ये, इन टुकड़ों के पीछे एक आदमी का फोटो था। मैप जोड़ने के लिए मैंने उस इंसान के चेहरे को जोड़ दिया और मैप तैयार हो गया। ये कहकर वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली गई। साथियों, दुनिया में हमें जिन बातों का तजुर्बा होता है उससे हमेशा दूसरी बाजू भी होती है, और यही बात हमें सिखाती है कि जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं या किसी बड़ी रुकावट में आ जाते हैं, तब उसकी दूसरी जानिब बारीकी से देखना सीखिए। हमें कोई सादा, आसान और ईमानदारी का रास्ता ज़रूर मिलेगा। इंसान की ज़िंदगी में जितने भी तकलीफ दे मसाइल होते हैं उसमें दुनिया के किसी न किसी इंसान का हाथ होता है। लेकिन अगर हम परेशान करने वाले या तकलीफ़ देने वाले इंसान को माफ़ कर दें तो हमारे मसाइल भी सुलझ जाएंगे। हमेशा बुराई करने वालों के साथ एहसान करना चाहिए, उसके साथ बदला लेने की बजाय अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर हम हैप्पीनेस की जंजीर को जोड़ने की कोशिश करें तो इंसानों को जोड़ने में देर नहीं लगती। दुनिया के इंसानों पर तवज्जा देने से पहले हम अपने आसपास रहने वालों को भी खुशी दे सकते हैं। इस तरह दुनिया खुद ब खुद जुड़ जाएगी। इंसानों से शुरुआत करें तो ये चैन ऑफ हैप्पीनेस खुद ब खुद जुड़ती चली जाएगी। इंसानों को जोड़िए, दुनिया खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। दुआ है कि आप सदा मुस्कुराते रहें। फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़म से अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है, रोशनी दिन की वही तारों भरी रात वही, आज हमको नज़र आती है हर एक बात वही, आसमां बदला है अफसोस न बदली है ज़मीं, एक हिंदसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं, अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं बारह महीने तेरे, तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई, मोहब्बत के फूल तकसीम करने वालों के दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं होते, आजमाइशें इंसान का हौसला बुलंद करने के लिए आती हैं, सब्र और बर्दाश्त करने वालों की अल्लाह ज़रूर मदद करता है।